चलिए आज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में एडिशनल क्वेश्चन बैंक लेक्चर 3 है और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक करा चुके हैं और आज हम 29 क्वेश्चन करा रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाई 5 फॉर्म विद 0 to 9 सच दैट ईच डिजिट डज नॉट अकर मोर देन वंस इन ईच नंबर इज। अब देखिए 1000 से हमको कम बनाना है और हमको जो 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 1000 से कम बनाने के लिए हमारे पास या तो 1000 से कम बनाने के लिए क्या होगा, ये हो गया 1000। अब इससे कम बनाने के लिए तो हमको 3 डिजिट का बनाएंगे तभी तो कम बनेगा। अगर 1000 से ज़्यादा बनाएंगे तब तो 1000 से कम हो जाए, इसलिए हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर बनाते हैं उसमें। अब जो हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है, पहले से जो डिजिट दिया हुआ है वो कौन कौन है, 0 से लेकर मुझे 9 तक दिया हुआ है, 0 to 9 मतलब टोटल 10 डिजिट हुआ, ठीक है। 0 अगर इंक्लूड करके अगर काउंट किया जाए तो 10 डिजिट हुआ। अब इसमें से हमको 5 डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए आप बचपन में पढ़े ही हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए तभी जाकर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिए, आप यहाँ पे 0 से फिक्स कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया। अब हमारे लिए कितने बचेगा, अब 10 में से हमारे पास 1 आ गया तो बच गया यहाँ के लिए 9 डिजिट वाला। तो 9 में से कोई 2 प्लेस है यहाँ पे, तो 9 में से कोई 2 आएगा तो 9P2। और 9P2 को हम सॉल्व करते हैं, 9 into 8 हो जाएगा, इसको 9P2 के इक्वल टू हो जाए 72। अब देखिए अब ये दो कंडीशन बनेगा, यहाँ पे जब 0 आ गया तो 5 को भी तो फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 भी आ सकता है 0 और 5, तो यहाँ पर 5 भी आ सकता है। तो कंडीशन एक और बनेगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 को फिक्स कर दें, 0 तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि अगर 0 यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस वाले 0 को इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे 5 आ गया। अब 0 आ नहीं सकता, यहाँ पे 5 आ गया, तो 0 से लेकर 10 है ना, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 टोटल कितना है, 10 डिजिट हुआ। अब 10 में से 0 आ गया, 0 नहीं आएगा, ये नहीं आ गया। अब 5 आ गया है तो अब हमारे लिए यही बचा ना, यही 8 बचा, टोटल कितना बचा 8। तो 8 में से कोई यहाँ पे कोई एक आएगा, 8 में से 8P1, फिर इसमें से 8 में से कोई एक आएगा 8P1, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये भी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब जो बनेगा, अब 2 डिजिट का नंबर बनेगा क्योंकि हमको लेस देन बनाना है 1000 का। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो अब 0 बच ले लिए तो हमारे कितने डिजिट बेटा, ये टोटल अब 10 में से 1 आ गया तो हमारे लिए कितने बचा 9, तो हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब जो बचेगा, अब 0 यहाँ पे आ गया तो 5 भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे 5 आ गया, अब 5 आ गया, 5 आ गया और 0 भी आ गया, तो अब हमारे लिए 10 में से 2 आ गया तो बच गया कितना, 8 ही बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9P1 मतलब 9 ही हुआ, ये हो जाएगा 9। अब सबको सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, तो सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, और अब एक और बनेगा, वन डिजिट नंबर बनेगा। तो वन डिजिट नंबर बनाने के लिए एक 5 ही बनेगा ना, एक ही बनेगा 5, तो इसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, तो 1, तो ये हो जाएगा टोटल सम करने के बाद हो जाएगा 154 आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम
30 देखते हैं। 30 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एट एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टूगेदर इज। अब देखिए एट एग्जामिनेशन पेपर है, कितने 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट एग्जामिनेशन पेपर है, टोटल एट एग्जामिनेशन पेपर है, एग्जामिनेशन पेपर है, ठीक है। अब ये टोटल एट को अगर अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल एट। अब कह रहा है कि दो पेपर है, वर्स्ट एंड बेस्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, तो पहले क्या करते हैं, ऑलवेज जो ऑलवेज टुगेदर है उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं पहले। तो ऑलवेज टुगेदर कौन कौन होगा, मान लेते हैं जैसे ये 10 पेपर हैं, 8 पेपर सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है कि दो जो पेपर है वर्स्ट और वेस्ट पेपर, वर्स्ट एंड वेस्ट पेपर वो क्या सकता है, नेवर कम टुगेदर। तो पहले हम क्या करते हैं कि ऑलवेज टुगेदर निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, दोनों ऑलवेज टुगेदर हैं, एक साथ आ गया, ये हो गया वेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, दोनों एक साथ आ गया। ये कह रहा है कि ऑलवेज नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए तो आने वाला को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको निकालते हैं आने वाला को कि कितने तरीके से आ गया। तो अब देखिए ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, अब इसको ये काउंट करेंगे 7 फैक्टोरियल। अब ये दो है, इसको भी तो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ये हो गया कि ऑलवेज टुगेदर दो पेपर, वेस्ट एंड वर्स्ट पेपर दोनों साथ में आ रहा है, और हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि वेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, नहीं आएगा, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। अब वहाँ क्वेश्चन में ऐसे आंसर दिया है 8 -2 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल, दोनों आंसर हो सकता है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखिए अब ये कह रहा है कि एक रो में है, यहाँ पे मान लेते हैं बॉय है और गर्ल है। अब कह रहा है कि गर्ल्स दो, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आ सकता है, तो बॉय को पहले अरेंज करें, तो बॉय यहाँ पर आएगा B1 B2 B3 और B4, ये हो गया। अब कह रहा है कि गर्ल्स को, 2 गर्ल्स जो है एक साथ नहीं आएगा, तो गर्ल्स के लिए कौन कौन प्लेस होगा, गर्ल्स यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी। अगर इस प्लेस पर गर्ल्स आएगी तो दोनों बॉय के साथ, दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं अलग अलग हो गया। तो पहले क्या करेंगे, बॉय को अरेंज करेंगे, तो बॉय के लिए कितना है, 1 2 3 4, तो इसके लिए फैक्टोरियल 4, फिर उसके बाद इनटू। अब देखिए गर्ल्स के लिए कितने है प्लेस है, तो 1 2 3 4 5 प्लेस है। अब हमारे लिए गर्ल्स कितने हैं, तो हमारे गर्ल्स जो है 3 गर्ल्स हैं, तो 5 प्लेस है और अरेंज करना है 3 को, ये 5 प्लेस 1 2 3 4 5 और 3 गर्ल्स है, इसको ऐसे अरेंज कर देगी, ये हो जाएगा आंसर हमारा। उसी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो सो दैट ऑल द 3 बॉयज आर टुगेदर। 3 बॉय है 4 गर्ल है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि 3 बॉयज आर टुगेदर, 3 बॉय जो है आर टुगेदर होगा, एक साथ होगा, 3 बॉय जो है एक साथ होगा। अब देखिए बॉय के लिए कौन कौन है, तो मान लेते हैं ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। अब ये तीनों बॉय एक साथ होगा, इसको बक्सा में बंद कर दिए, क्या किया बक्सा में बंद कर दिए तीनों बॉय को। अब गर्ल्स के लिए कौन, गर्ल गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स 4 है, तो G1 G2 G3 G4, अब एक साथ कर दिया। अब इसको कितने काउंट करेंगे, इसको 1 ही काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, ये हो गया एक 5 फैक्टोरियल 5 इंटू। अब ये जो बॉय है ये एक साथ है, तो ये भी इंटरचेंज कर सकता है, ये भी इंटरचेंज कर सकता है, कितने तरीके, 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये भी आंसर आ गया। उसी तरह 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये 32 नंबर ही था, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 6-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4, 5 से लेकर 9 तक, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड।
अब हमको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो डिजिट दिया हुआ है हमको 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये से बनाना है हमको 6 डिजिट का नंबर, है ना, 6 डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से 6 प्लेस है, 6 डिजिट है और 6 प्लेस को हमको बनाना है, तो 6P6 आंसर हो जाएगा, या 6P6। अब टोटल 6 डिजिट है और 6 प्लेस है, तो 6P6 अरेंज करना है, नंबर बनाना है, तो 6 में से 6 को अरेंज कर देंगे नंबर बन जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, फैक्टोरियल 6, दोनों आंसर हो सर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाई 1। इसी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे कि डिविजिबल है, और उसमें से पहले टोटल निकालते हैं, उसमें से फिर माइनस कर देंगे, ठीक है, पहले हम टोटल निकालते हैं उसके बाद हम फिर माइनस कर देंगे। तो जो डिजिट मुझे दिया हुआ है टोटल कितना है 6, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब कह रहा है फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, अब कह रहा है कि हमको 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए पहले हमको यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 और 0 और 5 होगा तभी 5 से डिविजिबल होगा, तो 0 है नहीं, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए 5 चाहिए एक पर। अब इसमें से 5 आ गया, हमारे लिए कितने बचा, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया, तब हमारे लिए कितने बचा, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव बचा, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस इसीलिए करेंगे माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये डिविजिबल वाला है, अब डिविजिबल वाला माइनस कर देंगे ये टोटल में से, तो नॉट डिविजिबल बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड फेलियोर कैन बी अरेंज सो दैट द कंसोनेंट ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेस, ऑड पोजिशन पर। अब देखिए फेलियर वर्ड है, FALUR फेलियर। अब हमको कह रहा है कि कॉन्सोनेंट जो है ऑड प्लेस पर होना चाहिए, तो अब देखिए हमारा कॉन्सोनेंट कह रहा है कि ऑड प्लेस पर होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है, कॉन्सोनेंट हमारा कौन कौन है, तो पहले कॉन्सोनेंट देखते हैं, तो कॉन्सोनेंट हमारे लिए हो जाएगा F हो जाएगा, और उसके बाद L हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए ऑड प्लेस कौन है, ऑड प्लेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऑड प्लेस 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब देखिए हमारे जो है 4 प्लेस है और 3 वर्ड है, मतलब कॉन्सोनेंट का अरेंज करना, तो 4P3 अब जो बच गया हमारे लिए, अब हमारे लिए जो बच गया कितना बच गया, बच कौन कर गया, बच गया जो, तो बचा AIUE बचा। अब ये 4 जो है किसी भी, मतलब 4 जो है अरेंज कर सकते हैं 4 तरीके से 4 प्लेस पे, हाँ ये 4 को अब अरेंज कर सकते हैं, मतलब अब देखिए यहाँ पे जो है 3 आ गया था, जो ना 3 आ गया था ना, तो 4 के लिए अब 3 आ गया था, तो अब कौन कौन प्लेस बचेगा, तो 2, 4, 6 है ना, ऐसे तो करेंगे तो 2, 4, 6 ही बच रहा है ना, अगर इवन प्लेस, लेकिन नहीं इसके लिए जो है कंडीशन नहीं है, इसके लिए बच गया जो कंडीशन नहीं है, अब 4 वर्ड को अभी तो कहीं भी आ सकता है 4 वर्ड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4P4, मतलब फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। अब देखिए स्ट्रेंज को क्या कर रहे हैं, STRANGE। अब जो वॉवेल्स है नेवर कम टुगेदर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, जो वॉवेल्स है वॉवेल्स आर नेवर सेपरेट कर रहे हैं, नेवर सेपरेट कर रहे हैं, तो पहले इसको बना लेंगे, वॉवेल्स जो है नेवर सेपरेट, तो सेपरेट वाला पहले बनाएंगे, तो अगर वॉवेल्स को एक तरफ सेपरेट करते हैं, वॉवेल कौन कौन है, ए है, उसके बाद ई है, ई हो गया,
अब ये बॉवल से एक साथ कर दिया, बच कौन गया, एस टी आर एन जी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए तो 1 2 3 4 5 और इसको वन काउंट करेंगे तो ये जाएगा फैक्टोरियल सिक्स। अब इसको भी अरेंज करेंगे तो ये फैक्टोरियल टू तरीका से ये क्या हो जाएगा, नेबर सब सेपरेट, मतलब इसको नेबर सेपरेट कर दिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। अब जो वॉवेल्स है वो एक साथ नहीं आ सकता है, स्ट्रेंज में देखिए एस टी आर ए वॉवेल्स जो एक साथ नहीं, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं ये कितने तरीके से अरेंज होगा। तो पहले टोटल इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। अब वॉवेल्स जो है एक साथ नहीं आएगा तो हम उसको निकाल लेते हैं, एक साथ आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, एक साथ आएगा तो बस इसमें से जो आया आने वाला होगा उसको माइनस कर देंगे। तो पहले देखते हैं वॉवेल्स एक साथ आएगा तो वॉवेल्स कौन कौन है, तो ए है वॉवेल्स और ई है, ये एक साथ आएगा, बच कौन कौन गया, एस टी आर एन जी, है ना, ये आएगा वॉवेल्स एक साथ है तो 1 2 3 4 5 आइए इसको मानेंगे तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब ये भी दो है एक साथ का अरेंज करेंगे, इसको भी करेंगे तो फैक्टोरियल 2। अब ये एक साथ वाला ये वॉवेल्स जो है एक साथ आ रहा है तो इसमें से इस टोटल में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। उसी तरह 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेस। अब स्ट्रेंज में जो वॉवेल्स है वो ऑड प्लेस पे आएगा, देखिए स्ट्रेंज। अब जो है वॉवेल जो है ओनली ऑड प्लेस पे आएगा तो वॉवेल्स कौन कौन है, वॉवेल्स कौन कौन है, वॉवेल्स तो ये आपका ये हो गया और ये हो गया, आउट प्लेस कौन है, आउट प्लेस तो आउट प्लेस 1 2 3 4 5 6 तो आउट प्लेस हो जाएगा 1 3 5 7 यही आउट प्लेस। अब देखिए अब हमारे लिए चार जगह है, चार 1 2 3 4 तो 4 में से ये कोई दो आएगा, 4 जो है इसमें से कोई दो आएगा तो 4P2 है ना। अब हमारे लिए जो बच गया अब इसके अलावा उसको भी अरेंज करेंगे तो बच गया कितना, दो आ गया, टोटल 7 है, अब 7 में से दो आ गया उसको भी अरेंज करेंगे तो ये जगह 5 बचाना तो फैक्टोरियल 5 इसी को ऐसे भी लिख दिया है 4P2 × 5 को ऐसे 5P2 5 आंसर हो गया। उसी तरह 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मनी 4-डिजिट नंबर कैन फॉर्म बाई यूजिंग 1 2 से लेकर 7। 4-डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, जो डिजिट दिया है 4-डिजिट का नंबर मुझे बनाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 4-डिजिट का नंबर बनाना है। और जो मुझे डिजिट दिया हुआ है कौन कौन डिजिट दिया है, डिजिट जो है 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है, 1 से 7 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 में से कोई यहाँ पे चार प्लेस है 1 2 3 4 तो 4 ही आएगा ना तो 7P4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 लेकर 7 आर ग्रेटर देन 3400। अब हमको 4-डिजिट का नंबर बनाना है मुझे और कितना से 3400 से ग्रेटर होना चाहिए 40 नंबर, 4-डिजिट का नंबर बनाएंगे 4-डिजिट का नंबर बनाना है और 3400 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर, ठीक है, 4-डिजिट का नंबर बनाना 3400 से ग्रेटर होना चाहिए। अब जो हमारे जो आवर डिजिट दिया 1 2 लेकर 7 तक अब देखिए अगर ग्रेटर बनाना है तो 3400 से ज़्यादा होने के लिए तो आप यहाँ पे 3 लीजिएगा तब बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि नहीं बनेगा, है ना, तो
आप यहाँ पे लीजिए चार, तब भी 34 से ज़्यादा हो जाएगा, 5, 26, 6 और 7, ये जगह पे ये वाले वर्ड लीजिएगा तभी ये 3400 से ज़्यादा बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई एक आएगा, 4P1। अब बच गया कितना, यही बच गया ना 1, 1, 2, 3, 3 ही लेटर बचा। तो अब जो है, अब एक कोई आएगा यहाँ से, तो 7 में से कोई एक आएगा, तो बच गया कितना, ये 7 में से कोई एक यहाँ पे आ गया, बच गया कितना 6, प्लस कितना है 1, 2, 3, तो 6P3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4P1 को करेंगे तो 4P1 4, और 6P3 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 120। ये हो जाएगा चुका 480। अब उसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर इस प्लेस पे हम 3 लेते हैं 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, 4 डिजिट का नंबर बनाए, अब यहाँ पे 3 लिए, इस यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे 4, 5, 6, 7 अगर ये लेते हैं तभी भी 3400 से ज़्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 3 ले लेते तो पता नहीं यहाँ पे 2 ले लेते तो 3400 से नहीं बढ़ता बड़ा, तो इसलिए इस वाले पर पहले 4 ले ली क्योंकि ये 3400 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ले लिए तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 आएगा तभी भी 3400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 1, ये एक जगह के लिए एक आएगा 1P1, और 1, 2, 3 ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से कोई एक ही आएगा 4P1। अब हमारे लिए कितने प्लेस बचा, 2, अब यहाँ पे 2 आ गया, अब हमारे लिए यहाँ पे 2 आ गया, तो अब बच कितने गया, 7 में से 2 आ गया तो बच गया 5, और ये 2 प्लेस है तो 5P2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1P1 1, 4P1 4, और ये जगह 5 20, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 80। अब इसको प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8, 8, 6, और ये जगह 4, 1, 5, 560 आंसर हो जाएगा। उसी तरह 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर कराके, इन हाउ मैनी वेज इट इज पॉसिबल टू राइट द वर्ड जेनिथ इन योर डिक्शनरी ऑर्डर। अब जेनिथ कहा मुझे 41 नंबर, जेनिथ 41 नंबर में कह रहा है कि ये जेनिथ का हमको डिक्शनरी में बन लिखना है, डिक्शनरी में, तो ये कितना लीटर है, ऑर्डर में नहीं कर रहा, ड्रैंक नहीं कर रहा, डिक्शनरी में कर रहा है, वर्ड डिक्शनरी इन डिक्शनरी में सिर्फ कर रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना। अब 6 के लिए हमको कितने तरह से आएंगे, तो फैक्टोरियल 6, इसको ऐसे भी लिखते हैं 6P6, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ इन द डिक्शनरी। अब इसको रैंक करना है ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में रैंक करके बनाना है। अब देखिए जेनिथ इनका है, जेनिथ, अब देखिए रैंक कैसे दिए जाते हैं, तो पहले ए बी सी डी में जो होगा उसी के ऊपर कहते हैं, तो ए बी सी डी ई एक नंबर पर, ई एफ जी एच, एच एच जो है 2 नंबर पर, एच के बाद आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हो जाएगा, ये हो गया एक नंबर पर, उसके बाद इसको ऑर्डर में लेना है, ए बी सी डी जैसे होता है उसी तरह, आई हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 नंबर, और उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा, और 5 नंबर, और ये हो जाएगा जेड, लास्ट में जेड ऐसे था 6, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, दो तरीका है, तरीका दो है, एक तो तरीका ये है कि देखिए अब यहाँ के बाद कितने डिजिट है, 6 से छोटा कितने डिजिट है, तो 6 से छोटा 5 है क्योंकि ये 6 से सब छोटा है, तो फैक्टोरियल 5, और उसके बाद इनटू, अब हमारे लिए कितने डिजिट बचा है इसको छोड़कर, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फैक्टोरियल सॉरी ये हो जाएगा सीधे 5, सीधे 5 है ना, प्लस अब देखिए 1 से छोटा कितना है, पहले इसको ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे समझिए कि 6 जो है 6 से छोटा कितना है, तो 5, अब बच कितना गया 6 को छोड़कर, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टोरियल,
प्लस वन से छोटा कोई होगा, इसमें नहीं होगा तो जीरो, बच कितने गया फोर फैक्टोरियल प्लस, अब फोर से छोटा कितना है तो वन है, ये थ्री है और टू है तो दो, दो बच कितना गया तो ये वन टू थ्री फैक्टोरियल थ्री प्लस। अब देखिए थ्री से छोटा कितना है, ये फाइव, फाइव से छोटा कौन है तो फाइव से छोटा कोई है, एक ही है, एक बच कितना गया दो प्लस, इससे छोटा कोई है वन से छोटा तो ये हो जाएगा आपका वन से छोटा, वही बच गया कितना वन, इससे छोटा कोई है नहीं, नहीं है ना, इससे छोटा कोई है नहीं है तो फैक्टोरियल वन लास्ट में प्लस वन, इसको सोल्व करेंगे तो फाइव ये सबको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा सिक्स सिक्स वन, सॉरी सिक्स वन फाइव हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह